महाराज, अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पांव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहां ब्लड पहुंच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई हो, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहां शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं, मणिभद्र, शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल है मणिभद्र जी, तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते, मतलब राइट भाग कौन सा हुआ, जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट, मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा हाथ मणिभद्र जी का। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं, ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे फिर वापिस आएंगे मणिभद्र रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज, उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापिस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज सरसों के तेल की बोतल में उसको डाल लीजिए, शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष में शाम के समय प्रदोष काल में उस तेल को वापिस ले जाकर चढ़ा दीजिए, शिव जी को उसको वापिस लेकर आ जाइए, उस तेल का प्रयोग आप नाभि में डालिए और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस स्थान पर कम से कम 15-20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए, बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग वो शरीर काम करने लगेगा। मणिभद्र